हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक और नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो गाइस ये देखिए, अभी मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती सबको ली हूँ और सबको कट कर ली हूँ। तो एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम की, साथ में डाली जीरा और खड़ा गरम मसाला, जिसमें कि सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह हैं। तो उसके साथ में डाल दे रही हूँ प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, सबको भून रही हूँ साथ में। और उसमें फिर कटे हुए प्याज को ऐड कर ली हूँ, जिसमें मैं 2 प्याज और कटे हुए टमाटर ऐड की, 4 टमाटर ली हूँ और 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सबको थोड़ा भून ली। उसमें नमक डालकर और थोड़ी देर ढक कर उन्हें पका लूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर गैस का फ्लेम बंद करके इन्हें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी मैं। और फिर उसे फिर जब ठंडा हो जाएगा तो मैं उसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो देखिए, ये अभी ठंडा हो चुका है, तो इन्हें मैं मिक्सी के जार में ले रही हूँ। और इन्हें मैं हल्का सा इसमें थोड़ा सा जो कढ़ाई में बचा हुआ है उसमें पानी डालकर और उसे धोकर उसी से मैं मिक्सी मतलब जार में डाल दूंगी। और इसका मैं मसाला तैयार करूंगी ग्रेवी के लिए। तो इन्हें मैं देखिए पीस ली हूँ और पीस कर रेडी कर ली हूँ। साथ में मैं ली हूँ आटा, तो आटे में थोड़ा नमक, थोड़ा सा चीनी, 1 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक, साथ में बेकिंग पाउडर। तो मैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच ले रही हूँ और चुटकी भर मीठा सोडा, खाने वाला सोडा डालकर, और थोड़ी सी ऑयल डालूंगी और साथ में मैं इसमें दही ऐड करूंगी और सबको एक साथ अच्छी तरह से पहले मिला लूंगी, उसके बाद मैं दही ऐड करती हूँ ताकि नमक और चीनी मिल जाए। तभी देखिए मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो गैस मैं बनाने जा रही हूँ पनीर लबाबदार और उसके साथ आटे का नान, घर का बना हुआ नान, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए मैं दही डालकर आटे को मिला ली और उसके बाद फिर अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें मैं पानी डाल डालकर, और हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। और इन्हें फिर तेल इसके ऊपर, आटे के ऊपर देखिए मैं तेल डाल दे रही हूँ। तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लूँगी आटे को और उसके बाद मैं ढक कर इन्हें रेस्ट के लिए रख देती हूँ। तो हमें 1-2 घंटे के लिए रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और साथ में देखिए मैं ले रही हूँ पनीर, तो ये मेरे पास 250 ग्राम के लगभग पनीर है। और मैं साथ में इसमें, मेरे पास मटर बचा हुआ था तो मैंने मटर भी ऐड की थी। और अब तो मटर का सीजन ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे पास ताज़े मटर बचे हुए थे, तो उन्हें भी मैं ऐड कर ले रही हूँ। इधर हमारा पनीर कट चुका है और मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ और इसे अच्छे तरह से चारों तरफ से घुमा लूँगी ऑयल को। उसके बाद इसमें मैं कटे हुए पनीर को डाल दूँगी। हमें इन्हें हल्का फ्राई करना है, सैलो फ्राई करना है। तो इसे मैं पनीर को डाल दी, साथ में ऊपर से काश्मीरी मिर्च और हल्दी डालकर, और इन्हें मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। जब ये हमारा फ्राई हो जाएगा तो इन्हें मैं कढ़ाई से अलग मतलब निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। और तो देखिए हमारा फ्राई हो चुका है और इन्हें मैं निकाल ले रही हूँ। साथ में मैं उसी में डालकर और मटर जो थे हमारे, उन्हें भी थोड़ा सा फ्राई की थी। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में मैं बटर डाल दूँगी और हमने जो मसाला रेडी करके रखा था, प्याज टमाटर वाली ग्रेवी, ये तो इन्हें मैं उसी में डाल दूँगी। और डालकर हमें हल्का हल्का ढक ढक कर बीच बीच में अच्छी तरह से मसाले को पका लेना है। तो हमारा थोड़ा सा मसाला भुन चुका है, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी, साथ में ऐड करूँगी काश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और साथ में मैं हल्दी ऐड की हूँ। उसके बाद उन्हें भून लूँगी थोड़ी देर, और भुनने के बाद फिर उसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी। और साथ में इसमें आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई और मसाला हो तो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये भुने हुए मसाले थे जो मैं होली में रेडी करके रखी थी, उन्हें डाल देने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ये हमारा
मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी और इस तरह से भून लूंगी और फिर थोड़ा और पानी ऐड कर मसाले को हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो देखिए मैं पानी ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद इसमें मैं घर की जो मलाई होती है उन्हें इकट्ठा करके और इसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए मैं मलाई डाल दी हूँ और इसके बाद हमें अच्छी तरह से मसाले को मिला लेना है, मलाई और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इन्हें थोड़ी देर पकाना है। और ढककर पकाने से इसमें कलर भी अच्छा आता है मसाले का, ग्रेवी का बहुत ही अच्छा। तो देखिए हमारा मसाला पक चुका है, उसमें मैं मटर और पनीर जो हमारे पास था उन्हें मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो देखिए मैं डाल दी हूँ और इन्हें भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और थोड़ी देर ढककर अच्छे से पकाऊँगी पहले इसे। तो ये हमारा देखिए ग्रेवी भी गाढ़ा हो चुका है। आप अपने आपको जैसा ग्रेवी रखना उस अकॉर्डिंग आप ग्रेवी को गाढ़ा या थिक रख सकते हैं। और उसके बाद ऊपर से मैं उसमें थोड़े से ग्रेट की हुए पनीर ऐड कर दी और इस तरह से हमारा सब्जी बनकर हमारा पनीर लबाबदार बनकर रेडी हो गया। तो इसे मैं बाउल में अलग से निकाल ले रही हूँ सर्व करने के लिए। ऊपर से मैं कटे हुए धनिया पत्ती और थोड़े से पनीर को कद्दूकस करके उसमें ग्रेट करके डाली हूँ। तो इसे मैं रेडी कर ले रही हूँ, मैं एक बाउल में सर्व करने के लिए निकाली हूँ। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही लजीज बना था ये पनीर लबाबदार, जैसा नाम था वैसा ही बिल्कुल बहुत ही लाजवाब बना था। साथ में मैं बनाई थी आटे का नान। तो देखिए मैं सर्व कर ले रही प्लेट में, तो हमारा ये पनीर लबाबदार साथ में मतलब विथ मटर के साथ और ये हमारा नान साथ में लच्छे वाले प्याज हरी धनिया की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी बने थे गाइस, एक बाइट आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।